एंटी मुस्लिम टिप्पणी का शिकार हुई मासूम बच्ची, बच्ची की मम्मी ने पोस्ट लिखकर बताई घटना। जनता ने जताई नाराजगी। सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया, आए दिन समुदाय विशेष को बदनाम करने और जनता को उनके खिलाफ उकसाने वाले बयान आने का सिलसिला तेजी से फैल रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मसला अब केवल बड़े बूढ़ों तक नहीं रह गया है, ये जहर अब बकायदा बच्चों में भी कथित रूप से भरा जा रहा है। एक मामला दिल्ली से सामने आया है जिसमें एक महिला ने अपनी बच्ची के साथ हुई घटना को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बयान किया है। दिल्ली की रहने वाली अबीरा अपनी बच्ची की फोटो पोस्ट करके लिखती हैं, आज मेरी बेटी का नए स्कूल में दूसरा दिन था। आज मेरी बेटी ने घर आते ही मुझसे रोते हुए पूछा, मम्मा हम मुस्लिम लोग बहुत गंदे होते हैं। मैं हैरान थी उसके मुँह से ये बातें सुनकर। मैंने उससे पूरी बात सुनी तो मुझे मालूम हुआ कि आज मेरी बेटी अबीरा इरशाद को उसकी ही हम उम्र लड़की ने, जो कि उसके पास ही बैठी थी, उससे ये सवाल किया और उसके मुंह पर थूक दिया। हालांकि अबीरा ने अपनी टीचर से बोला तो टीचर ने उस मासूम बच्ची को समझाया। नफरत का जहर मासूम बचपन को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। स्कूल बहुत नामी गिरामी है, उस स्कूल का नाम नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि इसमें स्कूल प्रशासन का कोई दोष मुझे नजर नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े स्कूल में आने वाले बच्चे भी संभ्रांत पढ़े लिखे परिवार से आते होंगे। अब सवाल बनता है कि आखिर उस बच्ची को अभी से नफरती परमाणु बम क्यों बनाया जा रहा है? बच्चे देश का भविष्य होते हैं, क्या हम अंदाजा भी लगा पा रहे हैं कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा? आज जिस नफरत का सामना मेरी मासूम बेटी को करना पड़ा है, मैं नहीं चाहती कि उस नफरत का सामना किसी और मासूम बचपन को करना पड़े। इस सब का दोष किसे दूं? उस मासूम बच्ची के माँ बाप को, भगवा ब्रिगेड को, या फिर दिन रात हिंदू मुस्लिम करने वाले जॉम्बीज को? अबीरा का ये पोस्ट देखते ही देखते सुर्खियों में आ गया है। सोशल मीडिया पर इस घटना की मजम्मत की जा रही है। सुजाता नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, इस नन्ही सी बच्ची पर मुसलमान गंदे होते हैं कहकर उसकी एक हमउम्र क्लासमेट ने थूक दिया। ये बच्ची नए स्कूल में पहले दिन गई थी और हमारे एक मित्र की बेटी है। ये पोस्ट इस बच्ची की माँ ने लिखी है। टीचर ने थूकने वाली बच्ची को समझाया, लेकिन उन पेरेंट्स को कौन समझाएगा जिन्होंने अपनी नन्ही सी बेटी के भीतर नफरत का ऐसा जहर भर दिया है? वो मासूम कहाँ जानती है कि वो किस नफरती एजेंडे की शिकार हुई? अपनी संतानों को मनुष्य बनाने की जगह ये क्या कर रहे हैं लोग? दोनों बच्चियाँ मासूम है, स्कूल को दोनों बच्चियों की काउंसलिंग करनी चाहिए, साथ में माता पिता की भी ढंग से काउंसलिंग करवानी चाहिए। एक शख्स ने लिखा, 100% इसके जिम्मेदार उस बच्ची के माता पिता हैं, जो बातें घर पे सुनेगी वही जहन में आएगी ना। माँ बाप इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। वरिष्ठ लेखक अशोक कुमार पांडे ने ट्वीट किया, ये किस्सा दिल्ली के तक्षशिला पब्लिक स्कूल का है जो मेरे एक करीबी दोस्त की बिटिया के साथ हुआ है। इतने छोटे बच्चों में ऐसी नफरत भरने वाले गार्जियन असल में अपने ही बच्चों के दुश्मन है। मामले को दबाने की जगह स्कूल को उस बच्ची की काउंसलिंग करनी चाहिए, साथ में उसके माता पिता की भी। ट्वीट बच्ची के पिता के कहने पर कर रहा हूँ। दोनों बच्चियों को किसी तरह की सजा देना गलत होगा। स्कूल प्रशासन भी इस मामले में कतई दोषी नहीं है। जरूरत है काउंसलिंग की। देश के भविष्य को सही रास्ते पर लाना स्कूलों का फर्ज है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुँचती रहे।